अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज अचानक मैं एक सफ़र पर जा रहा हूं और मैं यहीं से ब्लॉग को शुरू करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूं। ये देखिए, ये मेरा बैग रखा हुआ है बाइक पर। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज का ब्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। मेरे हाथ में छाता है क्योंकि मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश का है। दुआ कीजिए, हम लोग अजमेर शरीफ दरगाह जा रहे हैं और मैं पहली मरतबा अजमेर दरगाह को विज़िट करने वाला हूँ। तो आप लोग दुआ करें कि जो भी हो आसान हो, मौला ताला तमाम तरह की परेशानियाँ दूर फरमाएँ। और मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है, आप लोग देख रहे हैं बारिश कितनी हो रही है, लेकिन दुआ कीजिए मेरे लिए कि मौला आसानी फरमाए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लोकेशन पर। तो फ्रेंड, फाइनली हम लोग आ चुके हैं रामपुर और काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया, काफ़ी टाइम से हम लोग निकले हुए थे। तो अब हम लोग रामपुर आ चुके हैं और हम पहुँच रहे हैं स्टेशन और मेरे साथ हैं मुराद भाई। इंशाल्लाह ताला वीडियो और ज्यादा खास होने वाली है और शानदार होने वाली है। तो इंशाल्लाह ताला आगे चल करके हम आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। हाँ, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा प्यारी होने वाली है और देख रहे हैं आप मैं कितना ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हम लोग अजमेर शरीफ जा रहे हैं और ये मेरी लाइफ का पहला सफर है जो कि मैं अजमेर शरीफ जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए, यकीनन आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। क्यों मुराद भाई, तो आप तो कई बार जा चुके हैं ना अजमेर शरीफ? हाँ, दो तीन जा चुके हैं। मैं पहली बार जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला काफी ज्यादा अच्छा रहेगा ये सफर, हमें उम्मीद है। वहाँ पहुँच करके हम दुआ करेंगे मौला ताला से कि मौला ताला हमारी तमाम ही दुआओं को कबूल फरमाए। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं रामपुर स्टेशन और जैसा कि इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, रात का वक्त है, तकरीबन 11 बजने वाले हैं और काफ़ी यहाँ पर रश है, ये देखें आप। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी ट्रेन आने वाली है, फिर उसके साथ चलते हैं अजमेर शरीफ। फाइनली आ चुके हैं स्टेशन पर और वेट कर रहे हैं ट्रेन का, आएगी कुछ देर में और फिर उसके बाद चलते हैं अजमेर शरीफ और दिखाते हैं वहाँ का खूबसूरत नज़ारा। और ये मेरी जगह सीट, ये देखें बिलाल भाई। हाँ, बिलाल भाई, ये बिलाल भाई अपनी जगह लेट गए हैं, अभी बैठे हैं। और ये देखें, मैं अपना बैग रख दिया है, अब इंशाल्लाह ताला पहुँच करके मुलाकात होती है। आसिफ को अभी ब्लॉग बना रहा है, अभी सामने भी बैठे हुए हैं, इनसे भी मुलाकात करानी है। जुनैद भाई और वाहिद भाई, ये दोनों लोग सामने हैं, इन्होंने शेयरिंग की है 50-50। बीजलपुर पहुँच के इंशाल्लाह ताला मुलाकात। तो फाइनली ट्रेन मिल गई है, इंशाल्लाह ताला आगे पहुंचते हैं, फिर उसके बाद में काफी लंबा सफर है इंशाल्लाह ताला। नीचे सीढ़ी होगी, वो पहले ही होगा, वो वाला नहीं, गोल वाला नीचे से चली हो रहा है यार, सीधे बैठो। दामन को मेरा भर दिया खुशियों से खा जाने, ओ काद से ज्यादा नवाजा बे ख्वाजा ने, ये तो ख्वाजा का करम मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। कुछ गम सदा को आपने दर पे बुला लिया, दामन में अपने ख्वाजा को छुपा लिया, ख्वाजा पिया का मुझ पे एहसान देखिए, ख्वाजा पिया का मुझ पे एहसान देखिए, मुझ जैसे हकीर को अपना बना लिया, ये तो ख्वाजा का करम मेरे ख्वाजा का करम है। दुश्मन बना था आपका ये पाल जादूगर, जादू से फेंका आप पे उसने बड़ा पत्थर, आने लगा उनके जिस्म पर पत्थर के जब पड़ी मेरे सरकार की नजर, फरमाया गिर जा तू मुझ पे भेजा हुआ अगर खुदा कहे, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू भला कहे। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर जजब कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर जजब कहा, कल में किए के उंगली से पत्थर।
ख्वाजा सदा नवाजे और कभी कभी तो कोई नवाजे मेरा ख्वाजा सदा नवाजे मांगा किसी ने कतरा तो दरिया बागा दिया ये तो ख्वाजा का करम मेरे ख्वाजा का करम है ये तो ख्वाजा का करम है आपसे आपकी निश्वत का सहारा लेकर क्या से क्या हो गया मैं नाम तुम्हारा लेकर जिजगर जान क्या ईमान भी ले लो खाजा जिजगर जान क्या ईमान भी ले लो खाजा हो गया वो मैं सक तेरा उतारा लेकर ये तो खाजा का करम मेरे खाजा का करम है ये तो खाजा का करम सब मेरे खाजा का करम है ये तो खाजा का करम जिसे वो देखो आमाता गे घर का घर लुटाने पर ये क्या जादू किया तुमने मेरे खाजा जमाने पर मेरे खाजा जमाने पर बदनसीबी का गिला करते हुए आते हैं लोग बदनसीबी का गिला करते हुए आते हैं लोग उनका सदका देके जाने क्या गले जाते गे लोग खाजा का सदका देके जाने क्या गले जाते गे लोग जब तक बिकाना था तो कोई पूछता न था जब तक बिकाना था तो कोई पूछता न था तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया ये तो ख्वाजा का करम मेरे ख्वाजा का करम है ये तो ख्वाजा का करम क्या गरीब नवा क्या गरीब जब तक गाना था तो कोई पूछता न था जब तक भी गाना था तो कोई पूछता न था तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया ये तो खाजा का करम मेरे खाजा का करम है ये तो खाजा का करम सब मेरे खाजा का करम है ये तो खाजा का करम सब मेरे खाजा का करम है ये तो खाजा का करम ये तो खाजा का करम है मेरे खाजा का करम अलग से बना लेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अजमेर शरीफ और वाहिद भाई को हमारे काफी गर्मी लग रही है फिलहाल भाई और अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत पहुंच चुके हैं। अब जाएंगे दरगाह शरीफ और वहां जाकर के हाजिरी देंगे और आप तमाम लोगों को दरगाह शरीफ की ज्यारत कराएंगे। तो आप लोग हमारे इस ब्लॉग में बने रहें, मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। गाइज ये है हमारा रूम जो कि हमने लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह तो एक दिन यहीं पर रुकेंगे, आपको बताते हैं। अच्छा अच्छा काम तो करेंगे। हेलो आज 45 और 3 दिन लिया गए एक दिन कल कर दिया यार, जरा पापा से बात करवा दो, मैं पहुंच गया रूम में, हूं अभी लेता हूं। हम सारी दुनिया में फिर दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तो हम बता दें फाइनली अजमेर शरीफ पहुंच चुके हैं हम लोग और रूम भी ले लिया है। अब सारे लोग फ्रेश हो रहे हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला दरगाह शरीफ पर जाएंगे, वहां जाकर के हाजिरी देंगे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर और वो तमाम ही तरह का व्यू हम आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ पर आके जो हमने रूम लिया है वो भी काफ़ी अच्छा है। बिलाल भाई हमारे जो हैं वो आराम कर रहे हैं और तमाम लोग हैं जो वो बाहर गए हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाही ताला अलैह के आस्थाने पर जाने के लिए, क्योंकि पहली मर्तबा मैं यहाँ पर आया हूँ, पहली मर्तबा यहाँ हाजिर हुआ हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि दरगाह शरीफ का कैसा नज़ारा होगा और वहाँ जा कर के बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों तक वो सब कुछ पहुँचाएँगे। तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहें, हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है।